नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.2 का स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 तक के हल बताएंगे, तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज के इस प्रश्न को हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ करके हल करेंगे स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका, बस केवल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पहले प्रश्न में कहा गया है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, हमने आपको कल फार्मूला बताया ही था स्टूडेंट, देखिए ये तीन फार्मूले कल हमने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में। अगर आपने इसका नोटिस नहीं किया है तो आप इसका नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए, हमने बताया था कि अगर किसी वृत्त के अंदर हम दो त्रिज्याएं इस प्रकार से मिला दें तो वो हमारा त्रिज्यखंड बन जाता है, और जो हमारा ये शेष भाग होता है वो हमारा वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड का फार्मूला हमने ये बताया था और त्रिज्यखंड का फार्मूला ये बताया था, और जब इसकी चाप की लंबाई निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला हमने आपको बताया था। अब हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग करके स्टूडेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी आर का मान 12 सेमी दिया गया है, उसके बाद स्टूडेंट केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, यानी थीटा का मान 120 अंश दिया गया है इस प्रकार से। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब हम लोग संगत वृत्तखंड का फार्मूला लगा देते हैं स्टूडेंट। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत लघु, तो स्टूडेंट ये इसका फार्मूला होता है। अब हम लोग इस फार्मूले में मान को रखकर कैलकुलेट करते हैं। तो आर का मान देखिए, यहाँ पर आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद स्टूडेंट पाई, पाई का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए कितना रखना है, 3.14 दिया है, तो पाई का मान हम लोग 3.14 रख लेते हैं, 3.14 गुणे थीटा का मान 120 अंश है, तो 120 बटे में 360 स्टूडेंट माइनस 1/2 गुणे साइन थीटा के जगह पे साइन 120 अंश रखिएगा, तो यहाँ पर साइन 120 अंश हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब हम 12 बराबर 144 इसका गुणा कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो स्टूडेंट ये 120 तिहाई 360 यानी यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर 3 यानी यहाँ पर 1 बचा तो 3.14, उसके बाद बटे में स्टूडेंट यहाँ पर आपका 3 बचा, उसके बाद माइनस में 1/2, और स्टूडेंट मैं आपको साइन 120 अंश का मान बता दूँ तो स्टूडेंट साइन 120 अंश का मान जो है इस तरीके से निकल, तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, देखिए साइन 90 प्लस 130, देखिए साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30 यानी 9 × 3 = 120 हो जाएगा, और साइन 90 प्लस 30 जो है हमारा कॉस 30 अंश हो जाएगा, ये स्टूडेंट हमारा कॉस 30 अंश हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कैसे बदलता है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, 30 लिखा तो 30 लिखा जाएगा। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, कॉस 30 अंश का मान जो होता है ये होता है √3/2, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 120 की जगह पे मैं क्या स्टूडेंट लिख सकता हूँ, इसको आप लोग साइट में नोट कर लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से इसको बदला है। तो स्टूडेंट मैं अब आप इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन 120 को मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, और ये बदलेगा कॉस 30 हो जाएगा, तो कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं √3/2 कर देता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन इसका जो होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट 144, और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये हो जाएगा 3.14 बटे में 3 माइनस में √3/2 × 4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या होगा, 144 और स्टूडेंट 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, अब इसका भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 यानी 4 आएगा, और 4 का गुणा स्टूडेंट जो है 3.14 में करेंगे माइनस 4 का गुणा 12 में करें, 4 का भाग 12 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो
तो 3 × √3 का मान 1.7373 रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया है। देख लीजिए स्टूडेंट, अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और इसका देखिए 4 × 3.14 में करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12.1456। चलो चौक के 56, यानी ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, उसके बाद 0.56 माइनस में स्टूडेंट इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5.19 गुणा करने पर इसका, उसके बाद स्टूडेंट बटे में 12 है तो 12 कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 144 और उसके बाद स्टूडेंट गुणे 12.56 में से 5.19 घटाएंगे तो ये 7.37 आएगा, 7.37। उसके बाद स्टूडेंट बटे में 12 है तो 12 कर दीजिएगा। अब 12/144 यानी इसमें भाग देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 12 × आपका 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7.37, ये 0.7, यहाँ पर 0.7 नहीं है, ये 3.7 आपका लिखा है स्टूडेंट, 3.7 लिखा है तो 7.37। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए स्टूडेंट, 12 × 7.37 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 88.44 स्टूडेंट, 88.44 सेमी स्क्वायर, ये इसका स्टूडेंट आंसर हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूं। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये स्टूडेंट 11वां प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। तो स्टूडेंट ये इस प्रश्न में देखिए सेम वैसे है, सेम उसी फार्मूले पे आपको हल करना है। अब की बात आज त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आपका 12 सेमी दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60° है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको और जिसके त्रिज्याखंड का संगत केंद्रीय कोण 60° है, यानी थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 60° है। तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्तखंड का फार्मूला हमने आपको बताया, तो फार्मूला आप लोग को बताया स्टूडेंट क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब इसमें हमें करना क्या है, मान ला करके रखना है। तो आर का मान स्टूडेंट आपका 12 दिया गया है तो 12 इसका स्क्वायर, उसके बाद पाई का मान स्टूडेंट आपको 3.14 रखना है इसमें कहा गया है, तो 3.14 × थीटा का मान स्टूडेंट 60° है तो 60 कर देता हूँ, बटे में 360 है तो 360 कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट −1/2 × sin θ की जगह पे 60° है तो यहाँ पर sin 60° हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12/144, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 10 इससे कटेगा और 6×36 यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 3.14 उसके बाद बटे में 6 आ गया, −1/2 × sin 60° का मान √3/2 होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 144 उसके बाद स्टूडेंट यहां पर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर 3.6 ये हो जाएगा 2×2 = 4। एक मिनट मैं आपको ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप सभी लोग। 6 × 2×4 तो 6 और 4 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद 6 में भाग देंगे 12 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 × 3.14 में होगा, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट यहाँ पर 4 × 2×4 = 4 का भाग 12 में देंगे तो 4/3 = 12 यानी 3 आ जाएगा। और 3 × √3 का मान होता है स्टूडेंट 1.73, तो 1.73 रख दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो स्टूडेंट यहाँ हमने गुणा करके लिख दिया है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6.28 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5.19 आ जाएगा। उसके बाद 144, अब इसमें स्टूडेंट 6.28 में से 5.19 घटाइएगा यानी 1 लाइन घटाइएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका
1.09, उसके बाद बटे में 12 है तो 12 कर दीजिएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो आएगा देखिए 12 बराहिए में 144, यहाँ 12 आ जाएगा, यानी कि 12 × 1.09, और 12 का गुणा 1.09 में करिएगा आप सभी लोग, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका आ जाएगा 13.68 आ जाएगा, आप 08 आ जाएगा, 13.08 सेमी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 पे। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हमें इस प्रश्न में तीन प्रश्न हल करने हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। स्टूडेंट पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं, पहले दिए गए मान को लिख लेते हैं। तो त्रिज्या स्टूडेंट कहा 21 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट थीटा बराबर आपका 60 अंश है, मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो हम लोग अब फार्मूला लगाएंगे। तो चाप की लंबाई, पहला प्रश्न चाप की लंबाई स्टूडेंट, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला हमने यहाँ पर आपको बताया स्टूडेंट, थीटा अपान 360 × 2πr होता है। तो थीटा अपान 360 × 2πr, मैं यहाँ पर अब इसको मान ला करके इसमें रख देता हूँ स्टूडेंट। तो थीटा का मान 60 अंश है, आप लोग देख सकते हैं, तो 60/360, उसके बाद गुड़े स्टूडेंट 2 × π का मान 22/7, और स्टूडेंट गुड़े आर का मान जो आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 6 × 36 यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 × 21 स्टूडेंट 3 आ जाएगा। अब आपको करना है कि यहाँ पर सभी का गुणा कर देना है, तो यहाँ पर बचा क्या आपका देखिए 2×22 × 3 और बटे में 6 बच रहा है स्टूडेंट। अब अगर आप इसको भी काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, यहाँ पर 3×2 = 6 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिर्फ आपका आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी संगत चाप की लंबाई L बराबर स्टूडेंट आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 22 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यानी हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब मैं बता दूं आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट ये है फार्मूला होता है दूसरे प्रश्न का, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग इसमें मान ला करके रखते हैं, तो थीटा का मान यहाँ पर आपका 60 अंश है देख सकते हैं, और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रखते हैं तो 60/360 × π का मान 22/7, और गुड़े स्टूडेंट आर का मान 21 है, तो यानी 21×21 मैं 2 बार लिख सकता हूँ। 0 से 0 काटेंगे, 6/36 यहाँ 6 आ जाएगा, उसके बाद 7/21 यहाँ 3 आ जाएगा, और इस 3 से इसको काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, और इस 2 से इसको काटेंगे यहाँ 11 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका बचेगा जो, वो बचेगा देखिए आप सभी लोग 11 × 21, देखिए यहाँ पर आपका 11 बचे, 11×21 इतना आपका बच जाता है स्टूडेंट। अब इसका आप सिंपली कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 11×21 में कर दीजिए आप सभी लोग स्टूडेंट, 11×11 हाथ है 1, और 11×22 = 23 हो जाता है, तो यानी यहाँ पर स्टूडेंट 231 सेमी स्क्वायर, 231 सेमी स्क्वायर, ये आपका इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट प्रश्न संख्या जो है तीसरे पर, यानी इसका जो तीसरा प्रश्न, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
जिसमें से त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा 60 अंश है, इसको ध्यान में रखिएगा आप सब। तो यहाँ से मान दिया गया स्टूडेंट और मैंने फार्मूला भी लिख लिया है, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा फाई या फाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। अब इसमें मान रखते हैं तो 21 दिया है आर का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर, उसके बाद स्टूडेंट थीटा का मान 60 अंश है गुड़े पाई का मान 3.14 होता है, आपको पता ही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3.14 रख भी लेता हूँ मैं, उसके बाद बटे में स्टूडेंट आपका उसमें वैसे इसमें तो मान नहीं कहा कि 3.14 रखिए, बट लेकिन रख सकते हैं। ऐसा कीजिए स्टूडेंट 22/7 ही रखिए, तो 22/60 सात पाई का मान 22/7 और थीटा का मान 60 और बटे 360 है 360, तो 360 कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट माइनस 1/2 गुड़े साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का मान 60 अंश है, तो यहाँ पर साइन 60 अंश हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 21 का गुड़ा 21 में करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 441। उसके बाद में ब्रैकेट में 10 से 10 कट जाएगा, 6×36 यानी यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसको भी काटिएगा, अभी ये भी कट सकता है कि, तो ऐसे रहने दीजिए इसको, अब लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/6×7, उसके बाद माइनस 1/2 × sin 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 441, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3×2 = 6, यानी कि 3 आएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा स्टूडेंट 11/3। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद इसको आपको एलसीएम लेकर के हल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 441, उसके बाद बटे में स्टूडेंट 4×3 = 12, यानी कि स्टूडेंट ये हो जाएगा एलसीएम इसका 12, तो एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इससे भाग देंगे तो 4×3 = 12, यानी कि 4 आ जाएगा, तो 4×11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में इसका इससे भाग करेंगे तो 4×3 = 12 यानी 3 आ जाएगा, तो 3×, और √3 का मान 1.73 इतना हो जाएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 441 और 11×44, उसके बाद माइनस में 3×1.73 में करेंगे तो 5.19 हो जाएगा। उसके बाद बटे में 12 है तो 12 हो जाएगा। अब उसके बाद 441 और उसके बाद स्टूडेंट 44 में से माइनस 5.19 को घटाई दीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 38.81 बटे में 12 है तो 12 कर दीजिएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 441 × 38.81/12। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो स्टूडेंट देखिए इसमें हम भाग देंगे, तो स्टूडेंट ये रहा 12वां का तीसरा प्रश्न। इसमें जो है संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मान तो दिया गया पहले से प्रश्न में, नोट था आप लोग को पता है। अब हम इस फार्मूले में मान को रख देते हैं, तो आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, तो 21 का स्क्वायर और उसके बाद फाई का मान 3.14 रख लेते हैं स्टूडेंट, गुड़े थीटा का मान 60 अंश है, उसके बाद बटे में 360 है, 360 माइनस 1/2 गुड़े स्टूडेंट साइन थीटा का मान साइन 60 अंश हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 21, देखिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 6×36 यानी यहाँ 6 आ जाएगा, तो 3.14 उसके बाद बटे में 6, उसके बाद माइनस में 1/2 और साइन 60 अंश का मान स्टूडेंट √3/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट 441 उसके बाद में माइनस में स्टूडेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए 3.14 उसके बाद बटे में 6 है तो 6 माइनस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा स्टूडेंट √3 और बटे में 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करना, 441
उसके बाद स्टूडेंट 3.14 और इस पूरे का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट 6.4 का एलसीएम, तो 6.4 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसका 6 × 12 तो यानी 2 से गुणा होगा, -4 × 3 = 12, तो यानी कि 3 और गुणे √3 √3 का मान 1.73 रख देते हैं, 7 3, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे, 441 और 3.14 का गुणा स्टूडेंट 2 में कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट 6.28 यानी 6.28, उसके बाद माइनस में 3 का गुणा 1.73 में करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5.19, उसके बाद बटे में 12 है तो 12 कर दीजिएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद है क्या करना स्टूडेंट, 441 उसके बाद गुणे में 6.28 में से 5.19 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 1.09, उसके बाद बटे में 12 है तो 12 कर देता हूँ। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 12 से 441 में भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36.75 और 36.75 का स्टूडेंट 7.5 का गुणा अगर हम 1.09 में कर देते हैं, इसका मल्टीपल स्टूडेंट कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 40.05 सेमी स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप सभी लोग इसका। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके बाद स्टूडेंट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, तो ये रहा 13। इसमें बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि समकोण का मतलब 90° का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो प्रश्न दिया गया है उसमें से आपको सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम नोट करते हैं संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगाते हैं, मान को पहले लिख लेते हैं। आर का मान आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके बाद समकोण आंतरित करती है यानी थीटा का मान स्टूडेंट 90° रहेगा। अब हम लोग फार्मूला लगा दें, ये होता है स्टूडेंट इसमें मान को ला करके मैं रख देता हूँ। तो आर का मान स्टूडेंट 10 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10² उसके बाद फाई का मान, इसका भी मान आप रख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसका मान 3.14 होता है तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए 3.14। उसके बाद गुणे थीटा का मान 90° बटे में 360 है तो 360, उसके बाद स्टूडेंट -1/2 गुणे साइन थीटा का मान साइन 90° हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद 10² 100 हो जाएगा आपको पता है, और यहाँ से 10 कैंसिल होगा, 9 × 36 यहाँ 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3.14, उसके बाद में स्टूडेंट बटे में 4 है तो 4 कर देता हूँ, उसके बाद माइनस में स्टूडेंट साइन 90° का मान 1 हो जाएगा तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1/2 ही रहेगा, यानी कि 1/2 गुणे 1 तो 1 का मतलब कुछ नहीं आपको पता है इतना। अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, 100 × 100 अंदर आपका 3.14 और इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 3.14 उसके बाद -2 का भाग 4 में देंगे तो 2 × 4 यानी 2 × 1 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद 100 × स्टूडेंट 3.14 में से यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.14 में से 2 को घटा दीजिए तो 3.14 में से 2 को घटा देंगे तो 1.14 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बटे में 4 है, बटे में 4 तो 4 कर दीजिएगा और इसको काटेंगे तो 25 × 100 यानी कि यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, और उसके बाद 25 का गुणा आप 1.14 में कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट आंसर जो आएगा वो 28.5 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो जाता है।
आशा करते हैं आप सभी लोग इस पहले प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये था पहला प्रश्न का हल, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके मैंने मान रख के कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरे प्रश्न का हमने जो है फार्मूला लिख लिया है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल स्टूडेंट होता है पाई आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें यही मान को ला करके रख के हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितना आंसर आता है। तो स्टूडेंट पाई का मान होता है 3.14, तो 3.14 और गुणे आर का मान आपको पता है स्टूडेंट कितना था, 10 था, तो 10 का स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद माइनस थीटा का मान 90° था तो 90 कर देता हूँ, बट्टे में 360 गुणे पाई का मान स्टूडेंट 3.14, तो 3.14 कर देता हूँ। उसके बाद गुड़े स्टूडेंट आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देता हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको नियमित ढंग से कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3.14 गुड़े में स्टूडेंट यहाँ एक मिनट यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 9 चौक 36 यानी यहाँ 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, 1/4। उसके बाद गुड़े में स्टूडेंट यहाँ पर आपका 3.14 और गुड़े 10 का स्क्वायर यहाँ पे भी आपका 100 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है अगर आप इसका कैलकुलेट करते हैं 100 में, तो यहाँ पर 10 लेफ्ट हो जाएगा यानी निकल जाएगा, तो ये 314। उसके बाद माइनस में स्टूडेंट अब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर 25 चौके 100 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25 आपका, और उसके बाद 3.14 गुणे 25 हो जाएगा। अब 3.14 का गुणा 25 में कर दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 314 माइनस 3.14 का गुणा 25 में करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आपका 78.5 इतना आ जाएगा। अब 314 में से 78.5 को घटाएंगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 235.5 सेमी स्क्वायर। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 14। इस प्रश्न में कहा गया है त्रिज्याओं 7 सेमी और 21 सेमी वाले दो त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण क्रमशः 120° और 40° है। इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा इस 7 संगत चापों की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि दोनों प्रश्न को हमें अलग अलग हल करना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों प्रश्न के लिए जो है फिगर बना लेता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के फिगर बना लिए, कहा दो त्रिज्याओं 7 सेमी और 21 सेमी वाले दो वृत्तों, यानी तो 7 सेमी वाले त्रिज्या की हमने वृत्त बना लिया और 21 सेमी त्रिज्या वाले की वृत्त हमने बना लिया, और इनके कोण क्रमशः 120 और 40° का है। तो 120 और 40° भी हमने स्टूडेंट डिनोट कर लिया। अब हमें इसमें 2 चीज़ ज्ञात करना है, कहा है इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा इस 7 संगत चापों की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर केवल 1 प्रश्न हल करके बता देता हूँ और दूसरा प्रश्न आप लोग खुद ही हल कर लीजिएगा। तो मैं 1 हल कर देता हूँ, इसको आप लोग खुद हल कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं यानी पहला फिगर के लिए। तो पहले फिगर के लिए आर का मान स्टूडेंट 7 दिया है और थीटा का मान 120° दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ जो कहा है त्रिज्यखंड और संगत चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो पहले त्रिज्यखंड निकालते हैं उसके बाद चाप की लंबाई निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर त्रिज्यखंड का फार्मूला लिख लिया स्टूडेंट। अब देखिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड ये हमारा है AOB, इस प्रकार से इसको मान भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मान ला करके रखते हैं तो थीटा का मान 120/360, उसके बाद गुड़े पाई का मान 3.14 और उसके बाद गुड़े आर का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 कटेगा और 12 3 36 यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो बचेगा वो 1/3 गुड़े 3.14 और गुड़े 7 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट 49 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 49 आ जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 22/7 कर लीजिए तो आपका लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। एक मिनट, 22/7 और इसको इससे काट दीजिए, 7 × 49 यानी यहाँ 7 आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसका इसमें गुणा कर देना है यानी 22 × 7 हो जाएगा। 22 × 7/3 है तो 3 हो जाएगा। अब 22 का गुणा अगर आप 7 में करते हैं तो 154 154/3 है तो 3 और इसका मात्रक सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब उसके बाद जो है एक प्रश्न इसमें और भी कहा, संगत चाप की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई भी अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो संगत चाप की लंबाई का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ये होता है स्टूडेंट, संगत चाप की लंबाई बराबर θ 5 360 × 2πr। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ संगत चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट थीटा का मान 120 अंश है, 120/360, उसके बाद गुड़े 2 और गुड़े पाई का मान 22/7, उसके बाद गुड़े स्टूडेंट आर का मान भी 7 ही है। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ आर का मान भी 7 ही दिया है तो 7 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 12 3 36 यानी यहाँ 3 आ जाएगा। और उसके बाद इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एल बराबर स्टूडेंट 22 × 44 यानी कि 44/3 आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न पे, 15 नंबर पे। तो स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या जो है 15। इस प्रश्न में कहा है त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त के 120 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। हमने एक वृत्त बना लिया और यहाँ पर कोण आंतरित कर देते हैं। तो यहाँ पर कोण स्टूडेंट 120 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 120 अंश कहा है। उसके बाद इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर कहा है तो त्रिज्या को मैंने 21 सेंटीमीटर कर दिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ आर का मान 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्टूडेंट थीटा का मान 120 अंश है तो 120 अंश लिख लेता हूँ। अब हमें इस प्रश्न में कहा स्टूडेंट वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है, तो स्टूडेंट ये फार्मूला होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं। इसमें दो प्रश्न निकालना, क्षेत्रफलों का अंतर भी निकालना है तो पहले इसको निकाल लिया जाए उसके बाद क्षेत्रफलों का अंतर निकाला जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसके बाद माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट θ 5 360 और गुड़े πr², ये होता है इसका स्टूडेंट जो है मान। तो अब इसमें मान को ला करके रखते हैं स्टूडेंट। तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है तो 22/7, उसके बाद गुड़े आर का मान स्टूडेंट 21 दिया है तो 21 × 21 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। उसके बाद माइनस थीटा का मान स्टूडेंट 120 है, 120/360, उसके बाद गुड़े पाई का मान 22/7, उसके बाद गुड़े में स्टूडेंट आर का मान आपका 21 है तो 21 × 21 कर लेता हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, 7 × 21 तो यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 से 0 और 12 3 36 यानी यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 × 7 = 21 यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा
अब यहाँ पर आपका जो बचा स्टूडेंट मैं उसको लिख देता हूँ, तो 22 गुणे 21, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, 22 गुणे 21 गुणे 3, उसके बाद माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट आपका बच्चा 22 गुणे 21, यहाँ पर आपका बच गया इतना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट अगर आप इसका गुणा करते हैं तो 22 गुणे 21 गुणे 3, इसका गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 1386, और उसके बाद माइनस 22 गुणे 21 का गुणा करते हैं स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 462, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देते हैं स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 924 सेमी स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इधर वाला भाग है, देखिए इधर वाला भाग ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये पूरा भाग, तो यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 462 आया है। तो मैं यहाँ पर अलग से अगर लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर स्टूडेंट 462 सेमी स्क्वायर, मैं इसको अलग से लिख सकता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफलों का अंतर का फार्मूला होता है क्षेत्रफलों का अंतर, तो अब हम लोग इसमें मान ला करके रख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल 924 आया है, तो 924 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 662 आया है, तो 462 आया तो 462 लिख देता हूँ। अब उसके बाद इसमें से घटाएंगे स्टूडेंट तो आपका 462 ही आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।